हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। रात 10 बजे से 5 बजे सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार की जरूरी सेवाओं को आने की व्यवस्था जारी रहेगी। ऊना में उपायुक्त राघव शर्मा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए नए आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान मालवाहक वाहनों को एक ड्राइवर और एक सहायक के साथ औद्योगिक इकाइयों में नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ पेट्रोल पंप टेलीकॉम कर्मी कोविड ड्यूटी में लगे कर्मचारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवाजाही की अनुमति होगी। वहीं ट्रेन और बसों से जाने वाले यात्रियों को टिकट होने पर ही जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इंटरस्टेट बसों को भी आने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट को साथ लाने की अनुमति रहेगी। आरटीपीसीआर रिपोर्ट ना होने पर व्यक्ति 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेगा, जिसके बाद कोविड परीक्षण नेगेटिव आने के बाद ही उसे घर जाने की अनुमति होगी। जबकि विवाह के लिए दोनों पक्षों की तरफ से केवल 50 लोग ही सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सीमाओं पर ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। सभी को मेरा नमस्कार। जिला ऊना में आज की कोविड की स्थिति अगर देखें तो हमारे 967 करके एक्टिव केसेस हैं और लगभग 15% की पॉजिटिविटी दर है। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए और जिला में मृत्यु जो है उसका आंकड़ा भी 100 के पार चला गया है और बॉर्डर पे होने के कारण जिला जो पंजाब राज्य है, जो हाई लोड कोविड राज्य है, वहाँ पर स्थित होने के कारण जो है वो बहुत एक्सपोज्ड है। और इसी स्थिति के चलते हुए कुछ अन्य प्रतिबंधों पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें आज रात्रि 10 बजे से जो है नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी, जो 10 मई तक चलेगा। प्रतिदिन 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसमें नाइट कर्फ्यू की स्थिति में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेंगे। केवल कुछ ही छूट जो है वो सीमित छूट आवाजाही के लिए रहेंगी। उसमें जो मालवाहकों की आवाजाही होगी, इसमें एक ड्राइवर और एक हेल्पर होगा। मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल या दवाई की दुकानों पर जाने की आवाजाही को छूट रहेगी। हमारी औद्योगिक इकाइयाँ और फैक्ट्रियाँ जिनके लिए नाइट शिफ्ट चलती है, उनकी आवाजाही जो है वो अपने कर्मचारी एम्प्लॉई आईडी के साथ जो है लोग कर पाएंगे। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और ऑयल के जो डिपोज हैं उनसे संबंधित आवाजाही, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और दूरसंचार की व्यवस्थाओं से रिलेटेड आवाजाही, कोविड 19 या अन्य इमरजेंसी ड्यूटी पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी आवाजाही परमिटेड रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स और अखबारों की सप्लाई से जुड़ी आवाजाही जारी रहेगी। हमारी इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेस चलती हैं उनकी आवाजाही जो रहेगी। ट्रेन या बस से अगर आने वाले लोग 10 बजे के बाद घर जाते हैं उनकी आवाजाही परमिटेड होगी। या बस या ट्रेन बोर्ड करने के लिए जाते हैं, वो टिकट अगर लेके चलते हैं, उनकी आवाजाही परमिटेड होगी। और दाह संस्कार से रिलेटेड जो संबंधित लोग हैं उनकी वाहनों की आवाजाही जो वो रहेगी। इसके अलावा अपील करते हैं सभी से कि इसके अलावा जितनी प्रकार की आवाजाही है पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और लोग 10 बजे तक अपने घर पहुँच जाएँ और उसके बाद अपने घर से ना निकलें। रात्रि मध्य से 27/4/2021 के बाद जिला के जो बॉर्डर्स हैं उन पे रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू हो रहा है। जिला ऊना के बॉर्डर के नाकों पर हमने टीम्स जो है वो नियुक्त कर दी हैं और अब प्रत्येक व्यक्ति जो जिला ऊना के बॉर्डर के अंदर प्रवेश करेगा उसे covid19epass.hp.gov.in नामक पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जनरेट होगा जिसपे एक QR कोड होगा। इस पंजीकरण प्रमाण पत्र को लेकर उसे बॉर्डर पे दिखाना होगा हमारी टीम को, जहाँ इसे स्कैन किया जाएगा और स्कैन के माध्यम से पता चलेगा कि जिसने पंजीकरण कराया कि वो वास्तव में हिमाचल की सीमाओं में आ गया है। पंजीकरण जो है वो ऑटो अप्रूवल मोड पर है, इसमें कोई स्वीकृति के लिए किसी को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पंजीकरण कराने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और बॉर्डर नाके पे इसको चेक करा के आप सुगम तरीके से जो है वो अंदर जा सकते हैं। इसमें जो रूल ऑफ थंब है वो ये रहेगा कि जो हमारे हाई लोड कोविड राज्य हैं, जो प्रदेश सरकार ने 7 राज्य उसमें इंक्लूड किए हैं, पंजाब और दिल्ली NCR का क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है और राजस्थान है, इनसे कोई भी व्यक्ति अगर जिला ऊना की सीमाओं में और अन्य जिलों में रहने जा रहा है
तो रूल ऑफ थंब ये रहेगा कि अपने साथ एंट्री से 72 घंटे पहले की COVID-19 नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर ही यात्रा करें और उसे वो दिखानी होगी। यदि बिना रिपोर्ट के व्यक्ति इन राज्यों से उनकी सीमाओं में आता है या दूसरे जिलों को जाता है तो उसे जहां वह जा रहा है, जहां उसका स्थान है, वहां उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा और 6ठे या 7वें दिन जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेगा। जहां तक ऊना से बाहर जाने वाले या हिमाचल से बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी इस पोर्टल पे गोइंग आउट ऑफ हिमाचल एंड कमिंग बैक इनटू हिमाचल की कैटेगरी रजिस्ट्रेशन की रखी गई है। अगर वो 72 घंटों के अंदर जो हमारे हाई लोड का कोविड राज्य हैं जैसे पंजाब, दिल्ली इत्यादि, अगर वहाँ जाते हैं किसी काम के लिए, उपचार के लिए, तो इस कैटेगरी में अपना पंजीकरण कराकर ही जाएं। 72 घंटे के अंदर वो आ जाते हैं तो क्वारंटीन रिक्वायरमेंट से जो है उनको छूट होगी। अगर 72 घंटे के बाद आते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन नियमों का पालन कराना होगा और टेस्टिंग करवानी होगी। जो हमारे डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं पंजाब की सीमाओं से जिला के अंदर, उनके लिए भी इसी पोर्टल के माध्यम से जो अदर श्रेणी कैटेगरी है पास की, उसमें मंथली ई पास का सिस्टम है, उसमें मंथली ई पास बनवा के वो जिला की सीमाओं से अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। सिमिलरली जो जिला से पंजाब के एरिया में नौकरी या काम करने जा रहे हैं वो भी इसी मंथली ई पास की फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये एक सिस्टम है जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कौन जिला की सीमाओं में आ रहा है, हिमाचल की सीमाओं में आ रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा कि यदि वो व्यक्ति हाई लोड कोविड राज्य से आ रहा है तो उसका क्वारंटीन किया जाए, उसकी टेस्टिंग करी जाए और जन समुदाय को सुरक्षित रखा जाए। तो पहले जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होगा उसमें क्वारंटीन से कुछ लोगों को छूट रहेगी। यदि कोई व्यक्ति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पूर्व जारी की लेके आता है तो क्वारंटीन से मुक्त होगा। यदि किसी व्यक्ति ने एंट्री के 14 दिन न्यूनतम पूर्व जो है वो वैक्सीन की 2 डोज लगा ली और उसका सर्टिफिकेट लेके आता है तो वो क्वारंटीन से मुक्त रहेगा। यदि कोई व्यक्ति हाई लोड कोविड राज्य में जाके और 72 घंटे के अंदर वापस आ जाता है और रजिस्ट्रेशन अपना इस पोर्टल पे करवा के जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही ये साक्ष्य होगा कि वो 72 घंटे में गया था और वापस आया था, तो उस साक्ष्य को देखते हुए उसको क्वारंटीन से मुक्त रखा जाएगा। यदि जिला में कोई कोविड हाई लोड राज्य से बाहर से व्यक्ति आता है और वो 72 घंटे यहाँ रहता है और वो समुदाय से पृथक रहता है, होटल के किसी कमरे में रहता है, अपने कामकाज के लिए आता है और कोई गैदरिंग जैसे शादी इत्यादि अटेंड नहीं करता है तो वो क्वारंटीन से मुक्त रहेगा। अगर ऐसे लोग शादियां अगर अटेंड कर रहे हैं तो या तो COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएँ या उन्हें यहाँ पर क्वारंटीन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति पिछले 6 महीने में कोविड से रिकवर हुआ है तो वो भी इसमें सम्मिलित होगा, क्वारंटीन से एग्जम्पशन होगा उसको, लेकिन पिछले 20 दिन में संक्रमित नहीं हुआ होना चाहिए। और अगर 10 साल से छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स नेगेटिव रिपोर्ट ला रहे हैं, तो वो क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट से मुक्त होंगे और उन्हें टेस्ट करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। क्वारंटीन करने का सिस्टम नहीं है, जहाँ डेस्टिनेशन पे वो जाएगा वहाँ के स्थानीय प्रशासन को पोर्टल के माध्यम से सूचना चली जाएगी और क्वारंटीन नियम का पालन वहाँ पर ही किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं फिलहाल जो है उनके भी पंजीकरण करवा के ही आए वो, अन्यथा हम बॉर्डर पे पंजीकरण करवाएंगे। यानी बसेस भी चेक होंगी जी। और दूसरा सर, जैसे मंगल से कोई बारात लेकर ऊना आना चाहता है तो क्या उसके लिए जो परमिशन दिया, क्या व्यवस्था? जैसा मैंने बताया कि अगर दंगल से वो आ रहे हैं जो कि कोविड हाई लोड राज्य है, वहाँ से आ रहे हैं तो अपना टेस्ट करवा के ही आए। यदि वो टेस्ट करवा के नहीं आते हैं और 72 घंटे से ज़्यादा जिला ऊना में रहते हैं, यहाँ पे अगर उनके रीति रिवाज के हिसाब से बड़ा आयोजन चला हुआ है तो उनको यहीं क्वारंटीन होके और हम टेस्ट करवाएंगे। और दूसरा सर, शादियों में 50 लोगों की शर्त है, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों 50-50 ले रहे हैं, तो जो इकट्ठा आयोजन है उसमें हम मोर देन 100 लोग हैं। जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरी शादी में दोनों तरफ से जो है वो 50 ही गेस्ट हो सकते हैं और एक आयोजन में एक बार में 50 ही हो सकते हैं। इसकी स्टैगरिंग करके 500 गेस्ट को नहीं बुलाया जा सकता, ये बड़ा स्पष्ट है। इसलिए जितनी भी शादियां अब आगे से की जाएं उसमें कुल 50 ही लोग बुलाए जाएं। तो सर, बॉर्डर पे जैसे भीड़ लगेगी काफ़ी ज़्यादा लोगों की, स्कैनिंग होगी पासिंग, उसके लिए क्या व्यवस्था की? हर बॉर्डर नाके पे हम जो है वो टीम आज लगा रहे हैं और सफिशेंट मैन पावर हम डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि जो पंजीकरण करके आ रहे हैं उनके लिए हम अलग लेन रख के उनको स्कैन करके भेजते जाएं
इसमें जो मालवाहक वाहन हैं वो एग्जम्प्ट रहेंगे, तो उनके लिए हम आवाजाही बहुत सुगम रखेंगे। तो बाहर से आने वाले लोग हैं, प्राइवेट टैक्सी में या बसेस वगैरह में आ रहे हैं, उन्हीं का पंजीकरण चेक करते हुए जो है उनको आगे जाने दिया जाएगा। इसी से सभी से हम इसीलिए अपील कर रहे हैं कि वहाँ से पंजीकरण करा।